अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन द लोकल रिपोर्ट मशतोन विंकिन खैर मकदम से तो मेज़बान हैदा हमीद यूत्राव आज दोच के खास खबरन पर नजर जम मजरूज आज पूर मार्केट बंद चोर चप चपा बम तबा पूछ मज बाजियाबी हिन सजी दोह बाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतन अक्सरियत पसंदीदन क्यों मजीद छह मुलाजमिन आए पनी मुलाजमत पेट करना पुलिस पर्वकर अत वक्त मज हलाक यल सैथी हिंदवाड़ा मीनस मंदिर पेट अक्सरियत पसंद यल भट्ट सोच हमले किस तौरस पेट आओ गलत समझना बादल फटने की वजह से तकरीबन आठ दर्जन भीड़ गए हलाक बे यकीनाओ इस नजर खबरन पर तफसील सुन जुम रोज आज हाथ रिलायंस रिटेल स्टोर मोजिस खोलने खिलाफ बंद जम मजाव आज मुकम्मल शटडाउन मनावना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हिंद तरफ इस दिन आया यौचु हिमायत से सियासी जमातों एम अलावा 25 तिजारती मनसाती लबियोस कराई सजह दो बाद आव आईडी से चोर चपचपा बम बरामद करने ये बम आव मेंढा बरखा करीब दरियाई किनारे पर बरामद करने हुकूमतन अक्सरियतन पसंदीदन तरफ मुबीना राबतस पेट मजीद छह मुलाजिम आए बरतरफ करने यमन मज अक्सरियतन पसंदीदन ग्रुपन क्यों जेरे जमीन बे कारखान किस तौर पर एसएम काम करने में शामिल ये आप वन के दोन कांस्टेबल से यते उसादिजा महकमा जंगलात के अख सीनियर अफसर महकमा आर एन बी क्यों अख मुलाजिम ते आओ यह मज बरतरफ करने यमते ऐस आत मामलस में शामिल सरकारी जरायन हुन वनों चुकी शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ के इलाकस मज हिंदवाड़ा मज अख मुश्तबा शख्स तौर पर एमसिन सैथी मुबियाना तौर पर एमिस पर फायरिंग करने बाद एकिस पुलिस काल पैरवकार से करन हलाक यहां चे यित वानों के पैरवकार ही शनाखत गैस गई विजय धार वल्दे कृष्ण लाल के नावस पेट यह साव हिंदवाड़ा मज पेश हकामन हुन वानों चे यिते के बमवार से बदवार की दरमियान रातास अस दौरानस मज वास्ते कश्मीर जिला गांधरबल किस इलाकस मज लमन वांगनाथ नारनाथ किस इलाकस मज बादल फटने की वजह से कम आठ दर्जन भीड़ मज गई मरत यति से दियो तो मैं इजाजत दलोकर रिपोर्ट हिंद बाकी खबरों के साथ बने रहे दलोकर रिपोर्ट के साथ धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दलों की रिपोर्ट में मैं मीनाक्षी गोरिया तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे रिलायंस स्टोर खुलने के बाद पूरा जम्मू बंद पूंछ में ठीक होने के 40 दिन बाद चार स्टिकी बम नष्ट जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवादियों से जुड़े 6 और कर्मचारियों को बर्खास्त किया पुलिस अनुयायी को मार ढाला क्योंकि उसके सहयोगी ने उसे हंदवाड़ा में मंदिर पर आतंकवादी भर्ते हमले के रूप में समझा था बादल फटने की वजह से 12 भेड़े मर गई। अब समाचार विस्तार से जम्मू में 100 रिलायंस रिटेल स्टोर खोलने के प्रस्ताव के खिलाफ व्यापारों के बंद होने के आह्वान के कारण जम्मू में सामान्य आर्थिक गतिविधियां प्रभावित है एक दावा जिसे कंपनी ने झूठा करार दिया जम्मू में पूरी तरह बंद है यह आह्वान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिया गया था जिसे कई राजनीतिक दलों के अलावा 25 व्यापार और उद्योग लॉबी का समर्थन प्राप्त था पुलिस ने बुधवार को 4 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ 4 स्टिकी बम बरामद किए मेंदा में बड़ी राख के पास एक नदी के किनारे बमों को नष्ट कर दिया गया सरकार ने आतंकवादी समूह के लिए अवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने सहित कथित उग्रवादी संबंधों को लेकर 6 और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है उन्होंने बताया कि बर्खास्त किए गए लोगों ने 2 कांस्टेबल इतने ही शिक्षक और वन विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी और आरएनबी विभाग का एक कर्मचारी शामिल है
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंडवाड़ा इलाके में कल रात एक संदिग्ध व्यक्ति के रूप में उसके सहयोगी द्वारा कथित रूप से गोली मारने के बाद एक पुलिस अनुयायी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि लगते हंडवाड़ा के दिवंगत कृष्ण लाल धर के पुत्र विजय धर के रूप में पहचाने जाने वाले अनुयायी के इलाके में एक मंदिर के अंदर जबरन प्रवेश करने की कोशिश की और उसके सहयोगी ने उसे आतंकवादी समझ लिया और उस पर गंभीर रूप से गोली चला दी। अधिकारियों ने यह बताया कि मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के लमनवंगत नारानाग इलाके में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को बादल फटने से कम 12 भेड़ों की मौत हो गई। अभी इन समाचारों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए द लोकल रिपोर्ट। धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम मीनाक्षी गोड़िया, हु हैव जॉइंड योर चैनल द लोकल रिपोर्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेस हेडलाइंस। जम्मू शट सोन ऑन द ओपनिंग ऑफ रिलायंस रिटेल स्टोर्स इन जम्मू। फोर स्टिकी बम्स डिस्ट्रॉयड 40 डेज आफ्टर रिकवरी इन पुंछ। जेएनके गवर्नमेंट सैक्स 6 मोर एम्प्लॉइज फॉर मिलिटेंट लिंक्स। पुलिस फॉलोअर किल्ड एज हिज कॉलीग मिस्टूक हिम एज मिलिटेंट माउंटेन अटैक ऑन टेंपल इन हंडवाड़ा। ऑलमोस्ट 12 शीप किल्ड इन क्लाउड ब्रस्ट। नाउ न्यूज इन डिटेल। नॉर्मल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज रिमेन अफेक्टेड इन जम्मू ड्यू टू ट्रेडर्स बंद कॉल अगेंस्ट द प्रपोज्ड ओपनिंग ऑफ 100 रिलायंस रिटेल स्टोर इन जम्मू। A claim which the company termed as false. A complete shutdown is began observed in Jammu. The call was given by Chamber of Commerce and Industry, which was supported by 25 trade and industry lobbies besides several political parties. 40 days after, four sticky bombs were recovered along with an improvised explosive device, police on Wednesday. The bombs were destroyed along banks of river near Barirakh in Menda. Government has sacked 6 more employees over alleged militant links, including for working as overground workers for the militant groups. 2 constables, as many teachers and a senior officer of forest department and an employee in R&B department are along those sacked, they said. A police follower was killed after his colleague allegedly fired at him as a suspected person in Handwara area of North Kashmir's Kupwara district last night, official sources said on Tuesday. They said the follower identified as Vijay Dhar, son of late Krishan Lal Dhar of Langet, Handwara, tried to make forced entry inside a temple in the area and his colleague mistook him as a militant and fired at him grievously. At least 12 sheep died after a cloudburst hit Lamanwangat Narang area in central Kashmir's Gandharbal district during the intervening night of Tuesday and Wednesday, officials said here. This is all for today. We will meet tomorrow. Till then, good luck. नमस्कार, आवश्यक इमाम नास तो जोड़ी कुछ तापने चाहना द लोकल रिपोर्ट सिटी ताजा नजर दे मजे ते खबर ने बुक। रिलायंस स्टोर खोलने थी अब जाई सी थी आज जम्मू बंद। पूछ आ तो स्टिकी बम किरणे नष्ट। मिलिटेंट ने सिटी जोड़े शाह सरकारी अफसर किरणे बर्खास्त। IPL अफगानिस्तान में भू बैन। बादल फटने थी अब जाई सी थी कम से कम 12 बैठा गया मरी। उन्हें समाचार विस्तारे सिटी। जम्मू में शौर्य रिलायंस रिटेल स्टोर्स खोलने के खिलाफ दुकानदार ने करियर ने जम्मू में सारिया दुकाना बंद होने की वजह स्थिति नुकसान बोलो एन ताओ कंपनियां झूठो साबित करनिया। पुलिस हजरत ये दिहाड़िया सोर्स की बम आईडी समेत बरामद कराने मेधा मां भरी राख ते एक ही नाले ते किनारे मां तेरे बम फटावने सरकारा मेल मिलिटेंट ने सिटी अंडरग्राउंड कमेटी बजाय सिटी शाह अफसर नौकरी आता कराने जब मां दुई कांस्टेबल फॉरेस्ट से ऑफिसर थे आरएनबी डिपार्टमेंट के अफसर शामिल छे। तालिबान ते राजे वाले अफगानिस्तान में आईपीएल हरनो बंद कराने तालिबान ने अफगानिस्तान ते मीडिया हिदायत दी तो छणी की एस भी हिंदुस्तान तो क्रिकेट लीग ना है रही लोग क्योंकि स्टेडियम मां रेंटिया नासा छा जेंकी इस्लाम ते खिलाफ छो। अधिकारी जुओ की कश्मीर ते गांधरबल जिले मां लमन वंगर नारानग इलाके में हिजत ये राती सड़क पेड़े थी बजाय सिटी कम से कम 12 बेटा मरी गया। उन्हें ने खबर ने सिर्फ मिधत इजाजत है तो बने रह द लोकल रिपोर्ट सिटी। धन्यवाद। नमस्कार, हूँ कशिश ठाकुर, तुझे स्वागत है द लोकल रिपोर्ट टीम। आज दी बटाई खास खबर। रिलायंस रिटेल स्टोर खोलने पर पूरु जम्मू बंद। जेवर स्टिकी बम फटेई साढ़े पुंछे में 40 दिहाड़न कर लागो तू तनन तोपनो रुक काम। जम्मू कश्मीरी सरकार अशा होरे सरकारी मुलाजम बर्खास्त करे तना आतंकी से ही जुड़ रहे थिए।
आईपीएल अफगानिस्तान में भूओ बैन सड़क पेंट रे वजह से आख दर्जन बैठा मेरी जोई हुनी सुना बिस्तारे सही। जेमो मशहूर रिलायंस रिटेल स्टोर खोलने के खिलाफ दुकानदारे के रो जेमो में पूरी दुकाना बंद। दुकाना बंद होने की वजह से नुकसान बोलो आ दावो कैंपना झूठो साबित करो। पुलिस हाजरी दी आड़ी से और स्टिकी बम आईईडी समेत बरामद करे मेघरे भरी रेखा का एक किनारे किनारे तना बम फटे साडे। सरकारा मिलिटेंटन साथी अंडरग्राउंड काम करने की वजह से शाह अफसर बर्खास्त कर रहे हैं। तस्मा दुई कंस्टेबल फॉरेस्ट्री अफसर कने आरएनबी डिपार्टमेंट रे अफसर शामिल थे। तालिबान रे राजे वाले अफगानिस्तान में आईपीएल हेनो बंद करो। तालिबान ने अफगानिस्तान री मीडिया हदायत दित्री आए की केंच भी हिंदुस्तान रे क्रिकेट लीग नहीं हेर लो कि जो की स्टेडियम मकनिया नेस्टन ता इस्लाम रे खिलाफ आए। अधिकारी जो की कश्मीर में गांधरबल जिले रे लमन वंगत नारा नाग इलाके में हिजरी राती सड़क पेंद्री वजह से कम आख दर्जन बैठा मेरी जोई। अन्य समाचार साथी मैं देत इजाजत उस बनरा द लोकल रिपोर्ट साथी धन्यवाद।